भाई आप लोगों में से कई सारे लोग वीडियो को स्किप करके आधा अधूरा देखते हैं और उसके बाद में कमेंट करते हैं कि भाई हमें प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, अगर आप स्किप करते हैं तो आपका ही नुकसान होने वाला है। गाइस क्या आपको पता है कि आप YouTube की तरह Facebook पे भी लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। गाइस अगर आपको Facebook से अर्न करना नहीं पता है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। पर दोस्तों आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि Facebook पर कैसे लाइक पबजी या फ्री फायर के गेम प्ले को लाइव स्ट्रीम किया जाता है। गाइस जो मोबाइल से स्ट्रीम करते हैं उन्हें कई सारी प्रॉब्लम आते हैं और जो पीसी से करते हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। बट दोस्तों आज की ये वीडियो देखने के बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों फेसबुक पर कैसे अपने गेम प्ले को लाइव स्ट्रीम किया जाता है ये जानने के लिए हमें चलना होगा अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद में आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है ऑमलेट। दोस्तों जैसे ही ऑमलेट सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। दोस्तों आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों जो हमारा ऑमलेट एप्लीकेशन है वो सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, तो हम सिंपली यहाँ से ओपन कर लेते हैं। दोस्तों हमने इस एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है। दोस्तों जो हमारा ऑमलेट एप्लीकेशन है वो ओपन हो रहा है। दोस्तों ओपन होने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ से कुछ परमिशंस मांगता है, तो आपको इसे सिंपली इनेबल कर देना है। दोस्तों आपको सिंपली ड्रॉप जोन में जाना है। ड्रॉप जोन में जाने के बाद में यहाँ पे इस एप्लीकेशन का ड्रॉप जोन ऑन कर देना है। फिर उसके बाद में सिंपली बैक करके फिर से इसी एप्लीकेशन पे आ जाना है। बैक आने के बाद में दोस्तों ड्रा ओवर अदर एप्स इसे भी ऑन कर देना। ऑन करने के बाद में आपको सिंपली फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में इसे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे ये जो ऑमलेट एप्लीकेशन है इसको फिर से अलाउ यूजेज एक्सेस पे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में फिर से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे सबसे नीचे होम, फिर लाइव, फिर उसके बाद में प्लस का आइकन दिख जाएगा, फिर गेम्स का, फिर चैट का। फिर दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। सो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, तो आपको सिंपली यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक कर देना है। दोस्तों गो लाइव पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ आपसे परमिशन मांगता है, जैसे कि रिकॉर्ड आइडियो का एंड रिकॉर्ड वीडियो का। उसके बाद में यहाँ से मीडिया एंड फाइल्स का भी मांगता है, तो इसको आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में यहाँ से आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम पे एंड अदर लिंक इसका कॉपी करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सिंपली इसे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में दोस्तों आपको जिस भी एप्लीकेशन का यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करना हो आपको उस एप्लीकेशन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का करना चाहता हूँ, तो अब मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद में आपने जो गेम सेलेक्ट किया है वो ओपन होकर के आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके सामने कई सारे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे। जिस प्लेटफॉर्म पे आप लाइव करना चाहते हैं आपको सिंपली उसे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे फेसबुक पे करना चाहता हूँ, तो मैं फेसबुक को क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों फेसबुक पे क्लिक करने के बाद में आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन करना होगा। दोस्तों यहाँ से एडवांस परमिशन मांगता है, तो आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में दोस्तों अगर आप फेसबुक ऐप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी आईडी ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगी, आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में यहाँ पे आप कहाँ पे लाइव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एसगार्ड गेमिंग आपको अपना पेज यहाँ पे बना लेना है। अगर आपने नहीं बनाया है तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना पेज सेलेक्ट कर लिया है एसगार्ड गेमिंग। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रीम का डिस्क्रिप्शन दे देना है एंड टाइटल भी दे देना है। दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे अपना टाइटल दे देता हूँ राजेश लाइव। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन भी दे देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे स्ट्रीमिंग सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अगर आप फेस कैम करना चाहते हैं तो आप इसे ऑन कर सकते हैं कैमरा पे जाकर के, वरना फिर आप इसे ऑफ ही रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ जाता है ऑडियो सोर्स का,
तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इंटरनल आईडी यूज करना चाहते हैं तो आप इसे ऑन कर दीजिए, वरना फिर इसे ऑफ ही रखिए। फिर और उसके बाद में यहाँ पे स्ट्रीमिंग क्वालिटी यहाँ पे दिखा रहा है आईटो। दोस्तों यहाँ पे अगर आपका इंटरनेट स्पीड बहुत ही अच्छा आता है तो यहाँ पे 1080p में कर सकते हैं। इंटरनेट स्पीड बहुत लो आता है तो आप इसे 360 या 480p में कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे आईटो कर रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ जाता है डू नॉट डिस्टर्ब मोड। अगर दोस्तों आप इसे ऑन कर देते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो यहाँ पे आपका शो नहीं करेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिख रहा है सेव टू गैलरी। अगर आप अपनी स्ट्रीम को गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, वरना फिर इसे ऑफ ही रहने दीजिए। फिर आपको सिंपली यहाँ पे बैक आना है। फिर उसके बाद में दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन आ जाता है ओवरले का। दोस्तों ये अगर आप ओवरले ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, वरना फिर आप इसे ऑफ ही रखिए। आप कौन से यहाँ पे ओवरले ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में यहाँ पे आप डन कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप वाटरमार्क डालना चाहते हैं तो आप इसे ऑन कर दीजिए, वरना फिर ऑफ ही रखिए। उसके बाद में दोस्तों अगर आप कोई पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो इस सेटिंग पे जाकर के आप अपनी पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। आपको इसे गॉट इट पे क्लिक कर देना है। गॉट इट पे क्लिक करने के बाद में आपका कुछ सेकेंड बाद यहाँ पे लाइव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा नेटवर्क वगैरह देख रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो स्ट्रीमिंग है वो ये देखिए, ये यहाँ पे स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो जो हमारी स्ट्रीमिंग होगी वो होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों अगर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ से अपने गेम का मज़ा ले सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको दिखा देते हैं कि ये लाइव हमारी हो रही है या फिर नहीं। दोस्तों हम सिंपली जाते हैं अपने फेसबुक एप्लीकेशन पे। दोस्तों ये हमने फेसबुक एप्लीकेशन अपना ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में हम जाते हैं अपने पेज पे। ये देखिए हमारा ये जो पेज है एसगार्ड गेमिंग, हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में दोस्तों हम नीचे जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये देखिए हमारी इस पेज पे लाइव स्ट्रीम चल रही है। तो दोस्तों हम इसे ओपन करके भी देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो हमारी लाइव स्ट्रीम है वो पूरी तरीके से लाइव चल रही है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस लाइव स्ट्रीम को आपको एंड कैसे करना है। दोस्तों आपको ये जो लोगो दिख रहा है इस लोगो पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो आपका टाइम चल रहा है 6 मिनट, ये देखिए इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा डू यू वॉन्ट टू स्टॉप स्ट्रीमिंग, तो आपको सिंपली यहाँ पर स्टॉप स्ट्रीमिंग पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप स्टॉप स्ट्रीमिंग पर क्लिक करेंगे तो आपकी लाइव एंड हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल से फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। अगर आप बिना 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए यूट्यूब पर लाइव करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं ये वाली वीडियो। अगर दोस्तों आप अपने वीडियो का एसईओ स्कोर चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं ये वाली वीडियो। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। बाय बाय।